नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी खबर के साथ। मोरवी हादसे पर केवड़िया में भावुक हुए हैं पीएम मोदी। आपको बता दें कि मोरवी हादसे पर केवड़िया में भावुक हो गए हैं पीएम मोदी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मन पीड़ित परिवारों के बीच है पीएम मोदी, ऐसा कह रहे हैं। और इसके साथ ही मेरा मन करुणा से भरा हुआ है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है। आपको बता दें कि पीएम ने कहा कि परिवार के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मोरबी पुल हादसे पर भावुक हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि मन पीड़ित परिवार के बीच है, और पीएम ने यह भी कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। उन्होंने कहा कि गुजरात और केंद्र सरकार हर संभव मदद कर रही है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर केवड़िया में एक संबोधन के दौरान पीएम ने कहा कि मन करुणा से भरा हुआ है। मोरबी हादसे पर भावुक होते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं एकता नगर में हूँ, और लेकिन मेरा मन मोरबी के पीड़ित के साथ है, और मैंने अपने जीवन में शायद ही कभी इस तरह के दर्द का अनुभव किया होगा। एक तरफ दर्द से भरा दिल है तो दूसरी तरफ है कर्तव्य का रास्ता। तो आपको बड़ी जानकारी दे दें, जहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है मोरबी हादसे पर केवड़िया में भावुक हो गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मन पीड़ित परिवार के बीच है। मन पीड़ित परिवार के बीच है पीएम नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। मोरबी हादसे पर ही केवड़िया में भावुक होते हुए नजर आए हैं पीएम नरेंद्र मोदी। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है केजरीवाल को लेकर, दिल्ली के सीएम केजरीवाल को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मोरबी पुल हादसे के बाद उन्होंने दौरा जो है वो रद्द कर दिया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर। सीएम केजरीवाल ने आदमपुर में रद्द कर दिया है रोड शो। बड़ी जानकारी आपको बता दें, आदमपुर उपचुनाव की 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसके बाद अब ये रोड शो बंद कर दिया गया है। और गुजरात के ही मोरबी में हुए पुल हादसे में 141 लोगों की मौत हो चुकी है, और इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री ने दुख भी जता दिया है। वहीं मोरबी हादसे की वजह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल सोमवार को ही हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रचार करने वाले थे, और सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में ही रोड शो करने वाले थे, और जिले में जिसे लेकर ही मोरबी हादसे की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। आपको बता दें, आदमपुर उपचुनाव के लिए ही 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, और वहीं 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। और यहां आम आदमी पार्टी ने ही सतिंदर सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिया है, और कांग्रेस की ओर से जयप्रकाश कैंडिडेट हैं। और इससे पहले उन्होंने मोरबी पुल हादसे पर ट्वीट करते हुए कहा था कि गुजरात से बेहद दुखद खबर मिल रही है। मोरबी में ब्रिज टूट जाने से कई लोगों के नदी में गिर जाने की खबर है। भगवान से उनकी जान और स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ। तो आपको बता दें कि मोरबी में जारी है राहत बचाव कार्य, जो है लगातार जारी है। गौरतलब है कि गुजरात के मोरबी में रविवार को हुए केबल ब्रिज हादसे में अब तक जो है 141 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है, जबकि 170 से ज़्यादा लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। और बताया जा रहा है कि राजकोट से बीजेपी सांसद मोहन भाई कल्याण जी और कुंदारिया के 12 रिश्तेदारों की भी इस हादसे में जान चली गई है। फिलहाल लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं ब्रिज मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का भी केस दर्ज कर दिया गया है। और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने सोमवार की सुबह को बताया था कि इस मामले में आपराधिक केस दर्ज कर लिया गया है, और इसके साथ ही IGP रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में इसकी जाँच शुरू कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित परिवार को 6-6 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान हो चुका है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मोरबी पुल हादसे के बाद सीएम केजरीवाल का दौरा रद्द कर दिया गया है। आदमपुर में रद्द कर दिया गया है रोड शो उनका। आदमपुर उपचुनाव के 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसके बाद ये दौरा जो है वो रद्द कर दिया गया है।
एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, APPSC पेपर लीक का मामला सामने आया है, जिसमें बता दें आपको कि मामले में ही 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अब तक 14 लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने ही आज 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जिससे कुल गिरफ्तारी की संख्या अब 14 हो चुकी है। बता दें आपको कि राज्य सरकार ने अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर लीक मामले के सिलसिले में आज 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में 14 गिरफ्तारी जो है लोगों की हो चुकी है और पुलिस इससे जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के बहुचर्चित पेपर लीक मामले की जांच CBI के हाथ में है। अरुणाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर एजेंसी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय के 3 अधिकारी सहित 5 लोगों को निलंबित भी किया जा चुका है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अब तक 14 लोगों को फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने आज 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है और जिससे कुल गिरफ्तारी की जो संख्या है वो 14 हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर APPSC पेपर लीक मामले में 4 और गिरफ्तारी हो चुकी है। एक और असम से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर नौगांव में 2 पशु तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, बड़ी जानकारी सामने आ रही है असम से, जहां पर नौगांव में 2 पशु तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। असम के नौगांव में 2 पशु तस्करों को फिलहाल पकड़ लिया गया है। मवेशियों को जोरहाट से मेघालय की ओर ले जा रहे थे ये तस्कर। आपको बता दें कि इनपुट के आधार पर ही एक ट्रक को रोका गया था, जिसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है और 24 पशु मिलने की जानकारी भी मिल रही है। मेघालय से ले जाने वाले की कोशिश की जा रही थी इन पशुओं को, तो आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर मवेशियों को जोरहाट से मेघालय की ओर ले जा रहे थे तस्कर और जिसके बाद 24 पशु मिलने की जानकारी प्राप्त हो रही है। मेघालय ले जाने की कोशिश की जा रही थी, बता दें आपको कि तस्कर जो है मेघालय ले जाने की कोशिश कर रहे थे। नौगांव में 2 पशु तस्कर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लोह पुरुष सरदार पटेल की जयंती आज है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पीएम मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि दी है। बता दें आपको, पीएम मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी दी लोह पुरुष को श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने केवड़ियों में राष्ट्रीय एकता दिवस में भी हिस्सा लिया है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज है और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और पटेल जयंती को देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता आ रहा है और पीएम मोदी इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा भी बने। मालूम हो कि राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश में रन फॉर यूनिटी आयोजित किया जाता है और आज के कार्यक्रम में आदिवासी बाल बैंक का विशेष आकर्षण है और इस कार्यक्रम में BSF और 5 राज्य पुलिस बल पीएम मोदी की उपस्थिति में ही परेड का हिस्सा बने। आपको बता दें, लोह पुरुष सरदार पटेल की जयंती आज है, जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी लोह पुरुष को श्रद्धांजलि दी है, तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी पटेल ने पटेल को नमन किया है और लोह पुरुष सरदार पटेल की जयंती आज है, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें नमन किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।